हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट्स फॉर्म बाय द सर्कल्स x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस y माइनस थ्री होल स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस y प्लस थ्री होल स्क्वायर इक्वल टू 25। फोर ऑप्शन आर गिवन, चार ऑप्शन गिवन से करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है हमें। नंबर ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट फाइंड आउट करनी है दोनों सर्कल पर, कितने हम ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल हमारा है, फर्स्ट सर्कल है x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस y माइनस थ्री होल स्क्वायर इक्वल टू 16। इस सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर C1, वो क्या है, 2,3 है। एंड इसकी जो रेडियस है दैट इज R1, ये कितनी है, 4 का स्क्वायर होता है 16, दैट इज 4 है। एंड जो सेकंड सर्कल है हमारा, सेकंड सर्कल क्या है, x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस y प्लस थ्री होल स्क्वायर इक्वल टू 25। ये सेकंड सर्कल है। इस सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर क्या है, 1,-3 है। एंड इसकी जो रेडियस, इसको हम सी टू ले लेंगे। आर टू कितनी है, 25, 5 का स्क्वायर होता है, दैट इज रेडियस हमारी है सेकंड सर्कल की 5। नाउ अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सी वन सी टू को फाइंड आउट करते हैं। सी वन सी टू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सच सेंटर्स, दैट इज सी वन एंड सी टू के बीच की डिस्टेंस। क्या एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, दैट इज 2-1 का होल स्क्वायर प्लस 3-3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट 2-1, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस 3 प्लस 3 कितना आएगा, 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, 36 प्लस 1 कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 37 आ जाएगा। नेक्स्ट हम R1 प्लस R2 फाइंड आउट करते हैं। R1 प्लस R2 हमारा आएगा 5 प्लस 4 9 आ जाएगा। एंड अगर हम मॉडुलस ऑफ इन डिफरेंस फाइंड आउट करें R1 और R2 का, ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। यहाँ से मैं क्या पता चलेगा, जो स्क्वायर रूट 36 है वो 9 से तो लेस होगा, लेकिन क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ से हमें मिल रहा है कि जो मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2, ये लेस देन है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, और ये हमारी लेस देन है सम ऑफ द रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो दिस इंप्लाइज जो सर्कल है वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दिस इंप्लाइज सर्कल्स, बोथ सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग, बोथ सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग। अगर सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हो, एक सर्कल ये रहा, दूसरा सर्कल ये रहा, दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके पास कितनी कॉमन टेंजेंट्स होगी, 2 कॉमन टेंजेंट्स होगी। दोनों ही कैसे होगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स होंगे। दिस इंप्लाइज 2 कॉमन टेंजेंट्स, 2 कॉमन टेंजेंट्स, एंड बोथ आर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, बोथ आर डायरेक्ट टेंजेंट्स। तो उसके पास कोई भी ट्रांसवर्स टेंजेंट नहीं है, तो इट मींस ट्रांसवर्स टेंजेंट कितनी होगी, इसके पास 0 होगी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 यहां पर करेक्ट हो जाएगी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।